वेलकम बैक। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं द क्लासरूम्स, ठीक है। आज हम लोग बाथरूम्स करने वाले हैं, ठीक है। ऑनेस्टली क्लासरूम्स कुछ खास मुश्किल था नहीं, खास मुश्किल तो मुश्किल नहीं था यार, तुम्हारा भाई लाइब्रेरी रूम्स थोड़ा सा मुश्किल था। इस गेम की सिर्फ एक दिक्कत लग रही है मुझे से खेलने में, दैट इज़ कि मुझे चुप रहना पड़ता है बिकॉज मेरा चैनल कमेंट्री चैनल है, तो थोड़ी सी दिक्कत है मेरे लिए। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बाथरूम्स खेलने वाले हैं, ठीक है भाई। मैंने ना एक जो हमें वो मिला था कोडेक्स, उसमें बहुत ही क्रीपी सा मॉन्स्टर था, उसमें बोल रखा था उसके बारे में कि उसकी कोई वीकनेस नहीं है। आई डोंट नो उसका क्या सीन होने वाला है, वो तो भाई ऐसे ऐसे करते हैं क्योंकि सबकी एक कुछ कुछ वीकनेस बताई गई थी उसकी नहीं, ठीक है। आई होप उसकी कोई हो जो कि अननोन हो। आ जाओ बाकी देखते हैं। बाथरूम्स एग्जिट, नानी ओ माए वा मो सिंदे इरु। ओ अरे 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 ओके, मैंने शायद से रश कर दिया। वो तो बहुत अजीब सा लगता है अभी मुझे। ओके वो आ रहा है, आई थिंक हम इसमें छुप सकते हैं। या हम इसमें छुप सकते हैं आई थिंक। ये कुर्सी किसने रखी है, बैठने के लिए? अरे आ जाओ यार, वो तो स्केरी नहीं है, वो बहुत हल्ला हुल्ला कर देता है पहले आने से पहले। A few inches later. आ रहा है वो, आ रहा है। ओए 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 इधर आ जा, सुन रहा है तू बड़े दानव मोटे? अरे भैया आ गया वो अंदर, बस हवा निकल गई। आई थिंक उसने दरवाजा बंद करते हुए मुझे देख लिया होगा। ओके तो इसकी कोई वीक, एक सेकंड मुझे बोलने दो। अपन क्या करेंगे, हम एकदम चुपचाप खेलेंगे, ठीक है। और हमें आई थिंक मुझे सिर्फ एग्जिट जाना है, और अगर वो आता है बीच में तो मुझे किसी ये बाथरूम में घुस जाना है और वो तब मुझे ढूंढ नहीं पाएगा आई थिंक, ऐसा ही। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आई थिंक वो जो होते हैं वो घड़ी सी मिली थी वो मैंने सारी उधर यूज़ कर ली क्योंकि इन्वेंट्री नहीं थी मेरे पास, तो अब भाई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। व्हाट द हेल यार, इतनी बड़ी जगह क्यों है भाई? क्या भाई इसको कैसे पता यार, ये क्या बात होती है, उसको कैसे पता? मैंने तो कुछ आवाज़ नहीं की, मैं चुपचाप जाके बैठ गया, उधर गया उसने चेक किया। अबे यार ये मेरे ख्याल से साउंड का पीछा करता है, ये करना क्या है उनको तो वो भी समझ नहीं आ रहा। मैं एग्जिट जाता तो मुझे वो पाइप सा मिल गया। चलो देखते हैं, आई थिंक मुझे पानी चालू करके वापस इसी लिफ्ट में आना है, ऐसा कुछ सिस्टम है। अरे लेकिन यार उस टाइम तो यार मैं दूसरी लिफ्ट में गया था भाई, लाइब्रेरी वाले में। चलो देखते हैं क्या सीन है। अच्छा नाउ आई गेट इट, मुझे पानी भर के इधर आना ताकि मैं इसके ऊपर चढ़ के जा सकूँ, समझ गया। ओके आई थिंक ऐसा ही है, मुझे क्या कहते हैं पानी चालू करके फिर इधर आना है। अबे यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है यार, ऐसे खो जाऊंगा मैं। भैया
स्वागत तो करो हमारा। ओके, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो मुझे क्यों नहीं पकड़ रहा, और पकड़ नहीं रहा तो उसका लाइक कुछ स्पेसिफिक रीज़न है क्या? दो कारण हो सकते हैं, एक अंधेरा है, दूसरा ये कि वो जो बड़े वाले चौड़े वाले टॉयलेट है ना, वो उसमें घुस नहीं सकता। आई थिंक मैं श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक ऐसा ही है, या फिर मैं क्राउच कर रहा था तो मुझे देख नहीं सकता क्योंकि यू नो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बहुत ही यू नो वैसा सा सिचुएशन आ गई, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे, बस मैं यूं ऐसी अंधों की तरह खेले जा रहा हूँ। ओए ओए जरा, ओके कंफर्म हो गया कि वो उसे अंधेरे में दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो और मुझे साइड वाले टॉयलेट्स में नहीं कुछ छुपना चाहिए, वो मेरे को ना मार के निकल जाएगा, ठीक है। चलो फिर वो रूम ढूंढते हैं और फिर जाते हैं, वैसे मुझे वहाँ जाने का रास्ता भी भूल गया हूँ मैं। मैं क्राउच क्यों नहीं कर पा रहा? आई थिंक मैंने पानी बढ़ा दिया इसलिए मैं क्राउच नहीं कर पा रहा। ओके, तो अब मैं उससे छुप नहीं सकता, अब बस मुझे वो लिफ्ट वाला यू नो रूम जाना है और बस तभी बच सकता हूँ, नहीं तो फिर ये तो मेरी ले ही लेगा। ओके, हैज़ार्डेड फिनोमेना आइटम नंबर 555 क्लियरेंस लेवल 4। ये क्या है? एन एग्जैगरेटेड डिफॉर्म्ड ईयर ऑफ इंटेलिजेंस डिवॉइड ऑफ, अच्छा ये तो कर लिया ना हमने, ये क्यों देख रहा हूँ मैं। नो सच वीकनेस हैव बिन आइडेंटिफाइड, मतलब इसकी वीकनेस है ही नहीं, बस इसे ये है कि लंबा है थोड़ा, दिखता नहीं इसलिए। ओके, इट इज़ स्ट्रॉन्गली एडवाइज दैट पर्सनल प्रायोरिटाइज इवेसिव एक्शन बाय स्विफ्टली मूविंग टू कॉन्सील देमसेल्फ अराउंड कॉर्नर्स एंड बिहाइंड अवेलेबल कवर्स। ओके, एज आर्क 011 हैज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल विजुअल एक्यूटी इन लो लाइट कंडीशन। ओके, एक मिनट, हाउएवर सीकिंग रिफ्यूज इन डार्कनेस इज इल एडवाइज्ड। एक मिनट, तो मुझे रोशनी में छुपना चाहिए, बट यार रोशनी में तो उसने मुझे पकड़ लिया था, बट आई थिंक उसने मुझे इसलिए पकड़ लिया, यार इसने अंधेरे में नहीं पकड़ा था मुझे, नाउ आई एम कंफ्यूज। ओके, तो बेसिकली अगर मैं छुप जाऊंगा कोने वोने में तो ये मुझे देख नहीं पाएगा क्योंकि एकदम सीधा देखता है, ठीक है चलो मेरे हिसाब से, क्योंकि इसकी ऐसा ही है। चलो ठीक, देखा लाइट में उसने पकड़ लिया पर उल्टा लिखा हुआ है आई थिंक। अबे यार दो बैटरी बचे थी मेरे पे भैंस की, ये लोग एटलीस्ट मेरे को वो तो दिया करो। ओके
दिसंबर 1978, आई डोंट फकिंग नो एनी मोर. रोजमेरी, इट्स फकिंग सॉ मी. इट मेड सम सॉर्ट ऑफ मोर्निंग साउंड एट मी. आई न्यू इट वॉज स्टूपिड टू ट्राई टू गो थ्रू अ डार्क हॉलवे. व्हाट द फक वॉज आई थिंकिंग? इट्स बिन फॉलोइंग मी. वॉज आई थिंकिंग इट्स बिन फॉलोइंग मी फॉर अराउंड अ डे नाउ. I don't know how, but it keeps turning off the lights near me. And even if I get lucky enough to lock off a hallway or area, it finds a way to reach me. If I ever get out of this place, I'm going to burn the school to the ground. Okay. So, okay. ये light बंद कर देता है. यार मेरे को समझ नहीं आ रहा. वो उसने मुझे जितनी बार पकड़ा उतनी बार मैं लाइट में था, ठीक है. और यार मतलब क्या सीन है, ये बोल रहे हैं कि वो लाइट बंद कर देता है, डैट मीन्स उसे ज़्यादा लाइट में दिखता है. नोट में भी यही लिखा हुआ था पहले वाले में कि उसे ये इल एडवाइज है अंधेरे में रहना, ठीक है. तो मतलब क्या दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया मुझे अभी भी. वैसे एक चीज़ है, आई कैन आउटरन हिम, ठीक है. बहुत ईजी है, वो उतना तेज़ भाग नहीं सकता, बस लगता है कि बहुत तेज़ भागता है वो, ठीक है. बाकी आई डोंट नो अगर स्टैमिना वगैरह भी है इसमें, तो अगर स्टैमिना है तो देन यू नो लाइक आई एम डेड. पता है अगर ही अगर वो हमें मैं उसे आउटरन कर सकता हूँ ना, देन दैट इट्स सो इजी भाई. फिर तो बस मुझे ये भगते रहना है, फिर तो यू नो वो तो बहुत आसान है उसको बीट करना. बाकी देखते हैं, आ जाओ देन. लेकिन मैं ऐसी जगह फंस जाऊँगा कि अब मैं छुप नहीं सकता, और अब मैं क्या करूँ, क्योंकि ऐसे तो पकड़ लेगा मुझे. ऐसी जगह अवॉइड करनी चाहिए मुझे. अबे यार मेरे को तो वो जगह ही नहीं दिख रही, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे यार. लॉल वो अंदर नहीं आ सकता. लॉल अबे मोटे कैसा भाई है, भाई अंदर नहीं आ सकता है. बेस्ती भाई, बेस्ती भाई. अरे अल्लाह भाई, कहीं जाइए मत. रुक जा, इसको उठा सकता हूँ क्या, मुंह पर मारूंगा. रुक जा, इधर आ, इधर आ. हाँ उड़ रहा, उड़ रहा, उड़ रहा. सुक्कर तो बहुत है, तू आ नहीं सकता है. चल भाग यहाँ से, मार के दिखाओ, मार के दिखाओ, मार के दिखाओ. अरे कितना अजीब सा है ये. चला गया भाई वो, ही डोंट केयर. आ जा रे, अबे डॉगी है भाई तू मेरा, चिल्लाते नहीं है. ओए यू डोंट हैव अ डी भाई, जा यहाँ से जा. शू भाव भाव, इधर आओ. देखो मेरा पेट मुझसे कितना प्यार करता है, देखो तुम लोग. नहीं करता तुम मुझसे प्यार, देखो वो करता है, वो चिल्ला के बता रहा है. ये ले उठा के ला, देखो वो आ रहा उठाने के लिए. अब वो आके मुझसे मिलेगा यहाँ पे. मालिक मालिक. मैंने यहाँ पे कुछ मार्क वगैरह लगा पाता कितना बढ़िया होता, फिर मैं ना यहीं पे आ जाता वापस. कितना मज़ा आ रहा है इस पंगे करने में.
कैन आई आउट रन हिम, अभी पता चलेगा। इधर आ, बहुत इजी है उसे आउट रन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वी कैन डू इट, भाई इजी है। देयर इज जस्ट वन इशू के वो कमरा है कहाँ जिसमें हमें जाना है। हम रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, तब देखें क्या होता है। अरे यार मुझे लगा उधर से आएगा तो मैं इधर भाग जाऊंगा फिर। ओके चैट, हम लोग इसे बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी तो खैर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या सीन चल रहा है, ठीक है। एंड या बाय। 8:01 PM। ओके वेलकम बैक, हम लोग खेल रहे हैं क्लासरूम्स और हम लोग जो है बाथरूम्स में आ गए थे करने के लिए। ओके तो मुझे ये पता चला है कि मैं उसको आराम से बीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ये कुछ नया है। ये इनमें से किसी चीज़ से नहीं खुल सकता। हेलो देयर। और अल्ले ये क्या हो गया, ये तो इधर ही खड़ा है। यार हट, मेरे को वो दिखा उधर जाते हुए, ठीक है। एंड जब मैं बाहर गया तो वो उधर ही खड़ा था जिस साइड पे, जिस साइड के ऑपोजिट साइड वो गया था। ओके मैं हेलुसिनेट किया है, पता नहीं क्या हुआ लेकिन ठीक है भाई, वो उधर गया था। देखो एक चीज बहुत आसान है कि इसको आउट रन करना बहुत आसान है, स्टैंडर्ड मोड पे खेल रहा हूँ मैं, बहुत आसान है इसको आउट रन करना सीरियसली। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे को ना जगह नहीं मिल रही यार, ये ना मुझे फंसा लेता है कुन्ने में। ओके आउट रन फंस गया मैं। देखो ये चीज बोल रहा था मैं कर सकता हूँ, बहुत इजी है, वही ये फंसा लेता है। अब जगह ही नहीं मिल रही यार, कहाँ जाऊं। ओके ये तो ये रहा, ठीक है। तो अपने को ना यार पे सिर्फ एक ही बैटरी बची, मेरे को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, ये इतनी जगह पे चढ़ नहीं सकता। कार्टून ही है ये पूरा। अरे यार इसकी समझ ही नहीं आ रहा यार।
थैंक यू फॉर द बैटरी ब्रो। ये क्या हुआ, क्या हुआ ये? ओए हेलो, ओए ओ मोटू, इधर आ मोटू, देख मैं भाग रहा हूँ, जल्दी आ पकड़ने। मोटू तो खैर नहीं है तू, ओए छिपकली जल्दी आ, इधर आ जा, इधर इधर। ओए बुलडोजर, ओ क्रेन जैसे आदमी, जल्दी आ, मेरे को तेको चिढ़ाना है। हेलो देख तेरे टॉयलेट में हल्ला कर दिया मैंने, जल्दी आ भाई। यू डोंट केयर क्या, ऐसा कुछ है क्या यार? वो नहीं आ रहा यार, भाई वो नहीं आ रहा भाई, छोड़ो यार। अरे अरे भाई, ओके ठीक है भाई, डायनासोर तेको नहीं आना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चिल्ला, अब तो चिल्ला रहा हूँ भाई मैं, अब तो कोई डरता नहीं हूँ उससे। गेले इससे खेल लियो, तू मेरा डॉगी था ना, मैं तेको गिफ्ट देके जा रहा हूँ, इससे खेल लियो। ले आ गया वो, मुझे बाय कहना है तू यार, तू कितना स्वीट है। ओए सुन, कहाँ जा रहा है? अरे देख यार मेरे को जाते हुए तो देख, तू देख ऐसे चढ़ते हैं, तेरी टांगे तो इतनी चौड़ी चौड़ी, तू चढ़ नहीं सकता। ये देख ऐसे, कितना सिंपल है ना, सुन रहा है तू? तेरे को बोल रहा हूँ ए लंबी टांग वाले वो कार्टून। अरे बस हो गया क्या? अरे यार मेरा डॉगी, देख देख यार मेरे डॉगी को बुरा लग रहा है मैं जा रहा हूँ तो। वो देख मेरा डॉगी, देख कितना गुस्सा हो रहा है। चल एक लाइक मेरे डॉगी के लिए, ठीक है? वो देखो कितना परेशान हो रहा है वो बेचारा, वो कह रहा है भाई दो दिन से दिमाग खराब कर रखा था, आप जा रहे हैं तो भाई अच्छा ही लग रहा। डॉगी तो गया भाई, वो चला गया भाई, वो रो गया भाई, वो भाई रो गया भाई, वो गलती हो गई भाई मुझसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। अरे भाई बड़ा तो लग रहा है इसकी ऐसी करके, बहुत दिमाग खराब कर रहा है दो दिन से।